पवन बाबू के बहुत ही अच्छे गाने हैं, यूट्यूब पर आप जाके इनको देख सकते हैं। चाहे वो सनोज सागर भजन रत्न हुए जो आस्था चैनल पे, उसके बाद राजा मंडल जी हुए, आपको जिला टॉप में हुए, पुराने पुराने कलाकारों में कुशलेश समदर्शी हुए, धर्मेंद्र धाकड़ हुए, उसके बाद हमारे अभी नए में पवन बाबू हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, अंकित सिंह चंद्रवंत। हे गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों, आज बिहार दिवस है, 22 तारीख है, आज जैसे 22/3/2022 है और आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे खराटी ओबरा में शहीद जगतपति पर आए हुए हैं दानिका म्यूजिक, यानी संस्कृति जो कार्यक्रम करवाते हैं यहाँ पर, रविंदर जी। तो सबसे पहले रविंदर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी। आप सभी को मैं हमेशा देखता रहता हूं और आपकी आज इस कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कैसे आपके मन में आया कि आज बिहार दिवस है और शहीद जगतपति के पास फूल अर्पण करना चाहिए? मैं क्या कहूँ, पूरे हिंदुस्तान याद करता है हमारे इस खराटी ओबरा को, ओबरा का कालीन और ओबरा के हमारे शहीद जगतपति, जो पटना सचिवालय के सामने सात शहीदों का नाम है, जिसमें हमारे जगतपति जी का ऐतिहासिक नाम है, पूरे औरंगाबाद का नाम पूरे हिंदुस्तान जगत में जगतपति प्रसाद के नाम से है। तो मैं कला संस्कृति युवा विभाग से जुड़ा हुआ हूं और बिहार सरकार का एक निर्देशन आया कि आप अपनी टीम के साथ जाइए, उसका लेटर भी आया कला संस्कृति युवा विभाग से कि आप जा करके उनको श्रद्धांजलि दीजिए, आपको एक घंटे का वहाँ पर कार्यक्रम करना है खराटी गाँव में। मैं इसी उनके लेटर के आधार पे, बिहार सरकार के जो लेटर है पत्र के आधार पे, मैं यहाँ पे आया और हमारे साथ पवन बाबू बड़े अच्छे सिंगर, शिवनंदन जी जो हमारे चचा जी हैं बहुत अच्छे नाटक के कलाकार हैं, मैं दानिका के समस्त कलाकारों के साथ आया हूँ और साथ में हमारे यार कुंदन सिंह जी जो जमुरे का रोल कर रहे थे, हमारे उस्ताद का रोल शिवनंदन जी कर रहे थे, राघवेंद्र सिंह हमारे हैं बहुत ही बड़े स्टार हैं, ये बहुत अच्छे गायक हैं, इन्होंने भी शहीदों को नमन किया अपने गीतों के माध्यम से। पवन बाबू भी बड़े अच्छे कलाकार हैं हमारे दानिका सांस्कृतिक संस्थान से, और सभी ने प्रस्तुति किया, उन लेटर के आधार पर हम आपके गांव में यहां पे उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अगर कहा जाए तो यहां एक गुरु हैं और यहां पर जितने सारे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकते हैं, यानी सारे लोग जो हैं शिष्य हैं और बहुत ही अच्छे शिष्य हैं। अगर देखा जाए तो इनके सबसे अच्छे शिष्य टॉप में पवन बाबू चल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे सरल और बहुत ही अच्छे गाना गाते हैं और ये नाटक में बहुत ही अच्छे रोल निभाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा और हम आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हैं राघवेंद्र जी जो बहुत ही अच्छे ये भी संगीत गाते हैं और बहुत ही अच्छा इनका आवाज़ भी है और इन लोग सारे सपोर्ट करने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर देख रहे हैं पवन जी, आप आ जाइए और ये देखिए पीछे जो छुपे हुए हैं आप देख सकते हैं पवन बाबू हैं, जो पवन बाबू औरंगाबाद जिला का उभरते हुए बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। तो जब आप ओबरा खराटी में शहीद जगतपति जी के पास आए तो आपको आज कैसा अनुभव लगा पवन जी? अनुभव बहुत बढ़िया लागल है कि आज अपना गुरु जी के साथ प्रांगण में यह धरती पे हम क्या के सौभाग्य प्राप्त भइल हो, रोवा इंटरव्यू लेनी एकरा से बड़ चीज हम क्या हो सकेला। नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ भी हम जाते हैं और वहाँ पर ही हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों का इंटरव्यू लेंगे हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको बैनर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर शहीद जगतपति जी का स्मारक है जो खराटी में, और हम चाहेंगे कैमरामैन को कि यहाँ पर जो भी बैनर लगाया गया है उस बैनर को भी स्पष्ट दिखाएं। प्रस्तुति दानिका संस्कृति संस्थान औरंगाबाद, समय 4 बजे से और स्थान खराटी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि पवन बाबू और लास्ट में आप लोग क्या निर्देश देना चाहते हैं या क्या एक अच्छा सुझाव देना चाहते हैं? कि हम ये कहल चाहब कि देश खातिर शहीद भइल बानी रउआ सब, जितना भी लोग बानी रउआ सबसे निवेदन बा, कामना बा, प्रार्थना बा कि एक चीज कि हमनी सबके गौर करे के चाहिए कि यहाँ के अपन जवानी में और ऐसा इतना बड़ा काम कर दिलन केहू के सोचे पड़ी ये काम करे खातिर। तो रउआ सबसे निवेदन बा, कामना बा, प्रार्थना बा कि रउआ सब हमेशा आज हमनी अपना दानिका पूरा परिवार जुटल बा यहाँ, तो चाहब कि आज से शुरुआत भइल है तो हमेशा से चाहब कि रउआ सबके सहयोग मिले और ये कार्यक्रम के हमनी आगे बढ़ाएं।
दोस्तों अगर देखेंगे पवन बाबू के बहुत ही अच्छे गाने हैं यूट्यूब पर, आप जाके इनको देख सकते हैं, बहुत गाना है। और साथ में हम चाहें रविंदर जी हैं जो बहुत ही बड़ा मिसाल औरंगाबाद के एक नामी समझिए कि बादशाह है, एक बादशाह को आप लोग जानते हैं पूरे इंडिया में, मगर आपका औरंगाबाद जिला का एक बादशाह यही है, क्योंकि बहुत सारे छोटे से लेके बड़े तक ऐसे ऐसे कलाकारों को जन्म दिए हैं। यही बताएंगे कि आप फील होता है कि आप इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को जैसे तबला बजाने में, हारमोनियम बजाने में और उसके बाद गाने बजाने में एक साथ इतना साथ कैसे कर दिए। बहुत 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 अच्छी बात आपने कहा इमराज। औरंगाबाद साहब लोगों ने ये ठान लिया था कि मैं 10 वर्ष की उम्र से ही संगीत का सेवा कर रहा हूँ और संगीत में तबले से में, गायन से में, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, ज्योग्राफी में मैं, उसके बाद नेट क्वालिफाई किया म्यूज़िक में, उसके बाद मैंने डॉक्टरेट भी, पीएचडी भी प्राप्त किया। तो ये म्यूज़िक मेरा जुनून था और मैंने औरंगाबाद जिले का, जब हम लोग यूथ फेस्टिवल में जाते थे तो औरंगाबाद जिले का नाम नहीं आ पाता था। जब एकाध बार पहली बार गया तो लगा कि हमारा औरंगाबाद बहुत पीछे है और हमने उसी दिन उसको संकल्प कर लिया कि मैं इतना मेहनत करूँगा कि हमारे औरंगाबाद जिले का कोई भी ऐसा कलाकार जो है स्टेट लेवल पे जाए और जीत के आए। उसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, चाहे वो सनोज सागर भजन रत्न हुए जो आस्था चैनल पे, उसके बाद राजा मंडल जी हुए आपको जिला टॉप में हुए, पुराने पुराने कलाकारों में कुशलेश समदर्शी हुए, धर्मेंद्र धाकड़ हुए, उसके बाद हमारे अभी नए में पवन बाबू हैं, राघवेंद्र सिंह जी हैं, अंकित सिंह चंद्रवंशी हैं, निरंजन विद्यार्थी हैं, सौरव सम्राट हैं, मनु अलबेला हैं, मैं कितनों का नाम लूं। आज की डेट में वो सारे औरंगाबाद के ऐसे स्टार लोग हैं जो कोई चैनल बाकी नहीं है जिसमें वो लोग नहीं आते हैं। मैं करीब करीब 30 वर्षों से ये सेवा मैं दे रहा हूं संगीत के क्षेत्रों में और लगातार जारी है। सारे महोत्सवों में हम लोग 70-70, 80-80 कलाकार बिल्कुल निःशुल्क बिना कोई फी के मैं लेकर के जाता हूँ। और चूंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, बचपन से शुद्ध शाकाहार हूँ, मुझे आस्था है और जिले की प्रतिष्ठा को अपने हाथ में लिया हूँ और आप लोग के सहयोग से इस बात को कहना चाहता हूँ कि औरंगाबाद जिला आज पूरे मगध भी नहीं बल्कि पूरे बिहार में संगीत के क्षेत्र में एक नंबर पे जा रहा है, पूरे संगीत के क्षेत्रों में। दोस्तों अगर कहा जाए कि जिसके जिह्वा पर सरस्वती माँ विराजमान हो जाए तो सोच लीजिए उसको पैसे की जरूरत नहीं होती। लक्ष्मी कहाँ होती है ये आपको पता है और सरस्वती कहाँ होती है ये भी आपको पता है, मगर आपको क्या चाहिए, सरस्वती चाहिए या लक्ष्मी चाहिए? मगर सच्चे दिल से अगर कहिएगा तो सरस्वती इनके पास है और एक सरस्वती से ना जाने कितने सरस्वती जन्म दे दिए हैं, तो सोचिए कि पैसे की बारिश हो रही है, सही है या गलत? बहुत बहुत अच्छी बात आपने कहा। माँ सरस्वती की जब कृपा होगी तो लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। दर्द भला ही दिखता है लेकिन जो सम्मान मिलता है उससे सारी थकान दूर हो जाते हैं और दर्द खत्म हो जाते हैं। जितने भी कलाकार यहाँ पे आए हैं बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, और हेमराज जी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पर आकर के हम लोग को कवरेज किया। आप ही लोग हमारे स्तंभ हैं जो हमारी बातों को दूर तक पब्लिक तक पहुँचाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों यही एक छोटा सा वीडियो है, वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है पता है, जय हिंद जय भारत।